हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल और अरब स्टेट्स के बीच में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, साथ में पाकिस्तान का डिलेमा है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, ये समझिए, आपके सामने इसराइल और पैलेस्टाइन का मैप है। देख सकते हैं आप, इसराइल पैलेस्टाइन पर धीरे धीरे कब्जा करता गया और आज की तारीख में मेजर पोर्शन पैलेस्टाइन का इसराइल के कब्जे में है, इसराइल के कंट्रोल में है। जेरूसलम भी अब इसराइल का ही पार्ट है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अरब स्टेट्स, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब इसराइल के ख़िलाफ़ रहे हैं। पाकिस्तान भी इसराइल के ख़िलाफ़ रहा है और पैलेस्टाइन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इन्होंने दिया है। अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे अरब स्टेट्स इसराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखो, यूएस में ज्यूज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ज्यूज़ लॉबी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। ऐसा मान के चलो यूएस की फॉरेन पॉलिसी में इसराइल का बहुत दबदबा है, खासकर कि मिडल ईस्ट में, या आप यू कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट पॉलिसी यूएसए की इसराइल कंट्रोल करके चलता है। ज्यूज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है यूएस में। इस बात को ट्रंप भी जानते हैं और ट्रंप ने इस चीज़ को एग्रेसिवली फॉलो किया और अरब स्टेट्स को बहुत प्रेशराइज़ किया, इसराइल के साथ आप अपने रिश्ते मजबूत कीजिए। बातें मान ली गई। यूएई और बहरीन ने अभी हाल ही में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया इसराइल के साथ। हमेशा ही अपोज करते हैं इसराइल को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कभी एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के बाद इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात करी, यानी ये अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट है। साथ में एक डिमांड इसराइल पूरी करेगा इनकी, कि अब इसराइल जितना सेटलमेंट कर चुका है ठीक है, अब आगे लैंड को इन्वेड नहीं करेगा, अब स्टेटस को बना रहेगा। कहीं ना कहीं यूएई और बहरीन अपनी जो डिमांड रही सालों से कि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में हम, ये भी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब इतने स्ट्रिक्टर पोजीशन में ये नहीं रहे हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि अब आप आगे इन्वेड नहीं कर सकते, लेकिन अब तक जो इसराइल ने इन्वेड किया उसको ये स्वीकार कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो प्रो इसराइली पॉलिसी अभी अपना रहे हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें तो देखो, ये है इसराइल, ये है यूएई, यह है सऊदी अरेबिया और इधर है आपको मिलेगा बहरीन। ठीक है, बात यह है कि सऊदी अरेबिया अभी भी स्ट्रक्चर पोजीशन अपना रखा है, ये कह रहा है कि हम इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने को रेडी हैं इफ़ वो अपने 1967 के पहले के जो बॉर्डर्स थे, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, उनको माने और टू स्टेट सोल्यूशन पर विश्वास रखते हैं, यानी कि पैलेस्टाइन को अपना स्टेट वापस मिले और इसराइल को अपना स्टेट अपने पास तो उसके पास तो है ही, यानी कि 1967 के पहले का जो बॉर्डर था उसको ये मानते हैं, अभी तक जो सेटलमेंट्स हुए उनको ये इलीगल मानते हैं, एक्सेप्ट नहीं स्वीकार करता सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अभी भी ये पोजीशन लेके बैठा है, जबकि यूएई और बहरीन ने क्या कहा, ठीक है जो हुआ ठीक है, लेकिन अब नहीं करोगे ऐसा हमसे वादा करो। अरब स्टेट्स, हालांकि सऊदी अरेबिया, अभी रिपोर्ट भी आई थी कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग हो रही है, और ये भी कहा जा रहा था, सबको पता है सऊदी अरेबिया ने प्रेशराइज़ किया यूएई और बहरीन को कि इसराइल के साथ वो रिलेशंस एस्टेब्लिश करे, यानी सऊदी अरेबिया भी कहीं ना कहीं इसराइल के साथ अब रिलेशंस एस्टेब्लिश करना चाहता है, पर वो अभी आइडियोलॉजी के चलते अपनी स्ट्रिक्टर कर रखा है पोजीशन को। अब चूंकि इस्लामिक वर्ल्ड एक है जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो पाकिस्तान भी अब प्रेशर में आ रहा है इसराइल के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए। पाकिस्तान की बात करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, देखो पाकिस्तान और इसराइल की हिस्ट्री हमेशा बैकलैश में रही है, दोनों कभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किए। अभी जिस तरीके से यूएई और बहरीन ने इसराइल की तरफ अपना नॉर्मलाइजेशन किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात कही, सब पाकिस्तान में अभी शॉक्ड है। क्योंकि देखो पाकिस्तान और इसराइल की, मैं पाकिस्तान और इसराइल की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो 1940 की अगर मैं बात करूं तो जो मुस्लिम लीग थी उसने पाकिस्तान, लाहौर रिजोल्यूशन 1940 में जब आया था, जब अब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो लाहौर रिजोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने, कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, जान देने को रेडी हैं, हर मुस्लिम जान देने को रेडी है पैलेस्टाइन के लिए। ये बात पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर ने कही, तो पाकिस्तान इस चीज़ को मानता है। इसका आगे इम्प्लीकेशन देखने को भी मिला, 1948 में अरब इसराइली वार हुआ, तो उसमें पाकिस्तान ने मिलिट्री वीपन्स, मिलिट्री सपोर्ट पैलेस्टाइन को दिया, ऐसा रिपोर्ट्स निकल के आई।
इसराइल तभी से समझ गया था कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं होने वाला। इसको देखते हुए इसराइल ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बॉम्ब अटैक करने की भी सोची, जैसे इराक में किया था वैसे पाकिस्तान में भी अटैक करने की सोची। इसराइल ने इंडिया की हेल्प मांगी, 1980s की बात है, इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, कि हमें लॉन्चिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करो गुजरात के जामनगर में, वहाँ से पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हम अटैक कर देंगे। इंडियन ऑफिसर्स ने मना कर दिया, तो ये इसराइल को ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। मना क्यों किया? क्योंकि देखो ऐसा, इसराइल तो पाकिस्तान पे अटैक कर देता है, पाकिस्तान को डेवलप नहीं होने देना चाहता वो, लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी अटैक करके पाकिस्तान चुप रहता नहीं। पाकिस्तान क्या सोचता और पूरी दुनिया क्या सोचती, अरब स्टेट्स क्या सोचते कि इंडिया और इसराइल ने मिलकर ही अपनाया है। इसराइल को तो बैकलैश फेस करना पड़ता, इंडिया को भी करना पड़ता साथ में बिना मतलब। तो इसलिए ऑफिशियल्स ने समझदारी दिखाई और मना कर दिया कि देखो ऐसा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बिना मतलब नहीं ले सकते, तो इसराइल को वो अटैक रोकना पड़ा। तो कहने की बात यह है कि इसराइल और पाकिस्तान की बनती नहीं, हालांकि अभी 2017 में बेंजामिन नेतन्याहू आए दिल्ली में, तो उनसे बात की, कुछ रिपोर्ट्स ने पूछा कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि आप इंडिया आते हो क्योंकि पाकिस्तान को आप अपोज करते हो, इसलिए बार बार इंडिया आते हो, इसलिए आप इंडिया को सपोर्ट करते हो। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ना हम उनके दुश्मन हैं, ना पाकिस्तान हमारा दुश्मन होना चाहिए। तो एक बात समझो कि पाकिस्तान और इसराइल डायरेक्ट थ्रीट नहीं है एक दूसरे के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लोग पूरी तरीके से इसराइल को अपोज करते हैं क्योंकि उनके फाउंडिंग फादर्स ने इसराइल को अपोज किया था। और पाकिस्तान का हर बच्चा बच्चा जानता है कि सऊदी अरेबिया ने अब्राहम अकॉर्ड को इंडोर्स किया है, वही चाहता है कि यूएई इसराइल रिलेशन आगे बढ़े। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे, वो शुरू से इसराइल के खिलाफ रहे हैं। ये भी ओपन कह दिया है इमरान खान ने ओपनली कि अरब स्टेट्स सऊदी से प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज करें, इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करें। सीक्रेट मीटिंग भी अभी आई थी, आपको पता हो रिपोर्ट की, सऊदी अरेबिया, सऊदी क्राउन प्रिंस और इसराइल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब डिबेट ये और मजबूत हो गई कि करना क्या चाहिए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और सऊदी अरेबिया है, वो एक ही बात कहते हैं, 1967 का बॉर्डर चाहिए हमें, टू स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, पैलेस्टाइन का अलग स्टेट चाहिए, पैलेस्टाइन को अभी फुल फ्लेज्ड कंट्री के रूप में कोई नहीं मानता, तो टू स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, यानी पैलेस्टाइन का अपना स्टेट हो, ये सेटलमेंट से जो इसराइल हटा ले, 1967 के बॉर्डर है हमारे पास, और जेरूसलम पैलेस्टाइन स्टेट का कैपिटल बने जो भी इसराइल के कब्जे में है। अब ये बात पाकिस्तान बहुत सालों से रिट्रीट करता आ रहा है, 1990s में बहुत स्ट्रांगली ये बात कहता आया था। अब उस टाइम बात अलग थी क्योंकि उस टाइम अरब स्टेट्स भी ये कहते थे, तो इस्लामिक वर्ल्ड एक था, आज दुनिया अलग है। पहले पाकिस्तान को ये बातें कहने से अरब स्टेट से इकोनॉमिक बेनिफिट होता था, आइडियोलॉजिकल भी, पॉलिटिकल सपोर्ट भी कंट्री के अंदर वहाँ के लीडर्स को मिलता था, क्योंकि लोग खुद वहाँ पाकिस्तानी खुद इसराइल के खिलाफ है जितना भारत के खिलाफ है। तो आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली सपोर्ट, स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता था, पर आज ऐसा नहीं है। आज खुद यूएई, बहरीन इसराइल को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, सूडान ने कर लिया है, सूडान की भी अभी रिपोर्ट आई, और साथ में और अरब कंट्रीज़ भी करने वाले हैं ऐसा यहाँ पे आया है। लेकिन ध्यान रखना, अभी सऊदी अरब के मिनिस्टर की न्यूज़ आई थी, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि जब तक 1967 के बॉर्डर नहीं मानेंगे, टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, तब तक हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये सबको पता है कहीं ना कहीं यूएस के प्रेशर में आके इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे यूएई, सऊदी अरेबिया। अच्छा एक बात और सुनो, यूएई और बहरीन का एक फ़ायदा इसमें ये है कि यूएई और सऊदी अरेबिया, ये लोग यमन में जब सिविल वार हुआ था तो उन्होंने काफ़ी अटैक किया था, बॉम्ब अटैक्स किए थे सिविलियंस पे। अब उसमें क्या है कि यूएई और बहरीन की, सऊदी अरेबिया की इमेज काफ़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है, यूएस में काफ़ी आलोचना इनकी हुई थी। तो यूएस की पॉलिसी अपनाने से, यूएस का प्रेशर मान जाने से, यूएस के सामने भी इसका धब्बा ख़त्म हो जाएगा, जो दाग लगा हुआ है यूएस के लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो भी हो जाएगा। साथ ही साथ इसराइल का मानना यह है कि ईरान को आइसोलेट कर देना चाहिए, ट्रंप ने इस बात को माना और ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश भी की। तो यूएई, सऊदी अरेबिया और ये सब मिल के ईरान को आइसोलेट करना चाहते हैं, इसके लिए इसराइल के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो बेनिफिट सब तरह से हो रहा है, इसराइल से उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट भी तो हो सकता है अरब स्टेट्स को, और यूएस को तो बेनिफिट है क्योंकि ज्यूज़ वहाँ पे हैं, इन्फ्लुएंशियल है, वोटिंग करते हैं और ज्यूज़ लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया को भी बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है, तो वहाँ की जो ज्यूज़ है, वो जो यहूदी है जो यूएस में जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया को फेवर करते हैं यूएस में, काफ़ी फ़ायदा होता है।
तो अब पाकिस्तान में ये डिबेट छिड़ गई है कि करे कि नहीं करे। अब आप कह सकते हैं इसमें सोचना क्या है, जब अरब स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ क्या दिक्कत आ रही है। देखो इंटरनल इशू, जैसा पाकिस्तान ने भड़काया है भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों को, वैसा इसराइल के खिलाफ भी भड़काया है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि कल अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है पाकिस्तान इसराइल को तो इमरान खान की सरकार गिर सकती है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो सिविल सोसाइटी है, जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वहाँ के, जो मीडिया है, सब खिलाफ हो जाएंगे इमरान खान के। तो बाहर से प्रेशर आ रहा है, यूएस का प्रेशर आ रहा है, अरब स्टेट्स का प्रेशर आ रहा है, और साथ में इंटरनल यहाँ पे प्रेशर रहेगा अगर कर लिया तो किसकी बात माने। ये बहुत बड़ा डिलेमा है पाकिस्तान के लिए कि हम करें क्या। अब देखो ऐसा है कि हाल ही में आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच दरारें भी बढ़ गई, क्योंकि अभी OIC को लेकर, कश्मीर को लेकर कुछ क्रिटिसिज्म किया पाकिस्तान ने OIC का कि OIC हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब पाकिस्तान तुर्की के साथ जाके अपना खुद का एक ग्रुप बना लेगा अलग, सऊदी अरेबिया कोई बात जची नहीं। तो सऊदी अरेबिया ने जो इकोनॉमिक बेनिफिट दिए थे, इकोनॉमिक कंसेशन दिए थे, लोन वाले पाकिस्तान को वापस ले लिए, वीज़ा रेस्ट्रिक्शन और लगा दिया पाकिस्तान पे, और कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, सेंक्शन वगैरह लगा दिए। तो पाकिस्तान को और सऊदी अरेबिया को एक दूसरे को ये बात पता है कि अभी हमारे रिश्ते सही नहीं चल रहे, तो सऊदी अरेबिया की बात को अब पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा, वरना और भी दरार आ सकती है। तो वैसे पाकिस्तान अगर इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो अरब स्टेट्स में इसकी अच्छी इमेज हो जाएगी, बैकलैश भी नहीं आएगा, और देखो खुद को भी तो फ़ायदा है ना इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने से। पाकिस्तान को एक आप सोच डिफेंस बेनिफिट मिलेगा, एग्रीकल्चर बेनिफिट मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी में थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, साथ में ये भी तो हो सकता है ना कि वो पैलेस्टाइन की जो कॉज है उसको और अच्छे से प्रमोट कर सके, ठीक है। और जूज़ जो लॉबी मैंने बताई उसमें पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, US के सामने भी इज्जत हो जाएगी जैसा इंडिया करता आया है। और फिर इसराइल के लिए फ़ायदा ये है कि देखो इसराइल अगर पाकिस्तान नॉर्मलाइज कर लेता है रिलेशन इसराइल को, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो इसराइल को फ़ायदा ये है कि बांग्लादेश भी फिर पाकिस्तान के पीछे पीछे चलेगा। बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं सोचेगा कि अब अगर सारे अरब स्टेट्स कर रहे हैं, जब इस्लामिक वर्ल्ड कर रहा है तो हम क्यों ना करें। और फिर इसराइल जो इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखता है उसको डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा उसके रिलेशंस का, यानी इंडिया पे डिपेंड ही रहना पड़ेगा एशिया के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे बड़े बड़े सपोर्टर उसके साथ है। अब बांग्लादेश की GDP अभी PPP के मामले में अभी इंडिया से थोड़ी आगे भी गई थी, लेकिन इंडिया आज भी जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है एशिया में। लेकिन बात को समझ रहे हो ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर आ जाएंगे तो इसराइल के जो रिलेशंस एशिया में डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, और उसके लिए बेनिफिट है, फिर पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिट है। तो एक बात तो समझ आ गया है कि स्ट्रेटजिकली और डिप्लोमेटिकली कोई इसराइल को रिकॉग्नाइज करने में कोई डाउनसाइड नहीं है पाकिस्तान के लिए। प्रॉब्लम सारी इंटरनल है, क्योंकि जो लोग हैं, जो जिन्ना है, वो शुरू से अपोज करते आए थे इसराइल को, जो मिलिट्री में कुछ लोग हैं वो भी इसराइल को अपोज करते आ रहे हैं, और साथ में कश्मीर का इशू, यहाँ पर इंडिया का जो है काफ़ी बड़ा रोल रहता है। देखो इसराइल को सपोर्ट करने से पाकिस्तान एक इमेज ये जाएगा दुनिया में, एक संदेश ये जाएगी कि पाकिस्तान पैलेस्टाइन कोस को नेगलेक्ट कर रहा है, यानी जो इंडिपेंडेंस, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है पाकिस्तान पैलेस्टाइन के मामले में, फिर वो कश्मीर में नहीं कर सकता, क्योंकि जब पैलेस्टाइन का सपोर्ट देना बंद कर दिया तो किस मुंह से फिर कश्मीर का करेगा। एक तरफ तो पैलेस्टाइन की बात नहीं कर रहा, एक तरफ तो इसराइल का साथ दे रहा है, और एक तरफ जो है कश्मीर की बात उठा रहा है। तो कश्मीर का मुद्दा भी ख़त्म फिर पाकिस्तान के लिए, अगर यहाँ पे पैलेस्टाइन को सपोर्ट ना करके वो इसराइल को सपोर्ट करता है। तो ध्यान रखना कि पाकिस्तान के लिए इंटरनल इशू भी है, कश्मीर इशू वाला भी है, अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो नहीं करता तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर, अरब स्टेट से प्रेशर आ रहा है, US से प्रेशर आ रहा है, फिर खतरे में और है रिलेशंस इनके इस्लामिक वर्ल्ड में आपस में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, तो और दरार चल जाएगी। तो ये डिलेमा पूरा इनके सामने है। अब देखना ही है कि कब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट रेसिस्ट कर सकती है इन डिमांड्स को, जो एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, कब तक करती हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएंगी, और जैसे ही इमरान खान रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इसराइल को, तब प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे, और फिर ये तो देखो देखना पड़ेगा, हो सकता है फिर अरब स्टेट्स ही कंट्रोल करने लग जाए, जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको ही कंट्रोल करने लग जाए, पाकिस्तान में
इस तरह की आइडियोलॉजी ये लोग चलवा दे, ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट है कि इसराइल को सपोर्ट करके हम पैलेस्टाइन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात आगे बढ़ाएंगे इसराइल के सामने, कुछ भी हो सकता है। पर कुल मिला के बात यह है कि जब भी पाकिस्तान इसराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करेगा, आर्मी में स्प्लिट होना तय है, अपोजिशन सड़कों पर आएगा, सरकार गिर भी सकती है, साथ में ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं वो भी सड़कों पर आएंगे, और पाकिस्तान अगर कंडीशंस को स्टिक कर लेता है कि हम तो नहीं मानने वाले, हमको तो टू स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, 1967 के पहले का बॉर्डर चाहिए, हम तो पैलेस्टाइन को ही सपोर्ट करेंगे, तो फिर इसराइल के साथ डिस्कस करना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि केवल इसराइल पाकिस्तान के खातिर तो 1967 वाले बॉर्डर तो नहीं मानने लग जाएगा कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन मजबूत करने हैं तो हम सारा लैंड सरेंडर कर देंगे, ऐसा तो इसराइल नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इसराइल को और स्टेट से भी तो फ़ायदा मिल रहा है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बहरीन है, सब मान लिए, अकेले पाकिस्तान से इतना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी, और इंडिया के लिए बहुत इम्प्लीकेशंस हैं इसके, तो इंडिया को अब देखना पड़ेगा कि कैसे अब आगे मेजर रिलेशंस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।